दोस्तों टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद ने किया अपनी जिंदगी को लेकर एक बड़ा खुलासा और इंटरव्यू के दौरान उर्फी ने बताई हैरान कर देने वाली बात जिसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। और एक बार फिर उर्फी अपने अतरंगी स्टाइल में नजर आई जिसके बाद लोगों ने किया जमकर ट्रोल। दोस्तों इनका स्टाइल है सबसे हटके और आए दिन अपने नए फैशन स्टाइल से देती है लोगों को झटके। जी हाँ, ये और कोई नहीं उर्फी जावेद ही है जो अपने यूनिक फैशन के लिए सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है। अब किसी को तो इनका यह अतरंगी स्टाइल काफी क्रिएटिव लगता है तो कुछ लोग इनके इसी फैशन को बेहुदा बताते हैं। दोस्तों आज तो उर्फी जावेद बिना किसी डर के खौफ अपने इसी बोल्ड अंदाज में मुंबई की सड़कों पर घूमने चली आती हैं और लोग इन्हें इनके कपड़ों के लिए ताने भी देते हैं तो वो इनको नजरअंदाज कर देती हैं। उर्फी जावेद अब क्या कहेंगे, लोगों की परवाह न करते हुए अपनी मर्जी से कपड़े पहनती हैं और अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं। दोस्तों आपने भी उर्फी के बारे में तभी सुना होगा जब ये अपने नए और बोल्ड लुक की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, लेकिन आज हम आपको उर्फी जावेद की पूरी कहानी बताने वाले हैं। जी हां, आखिर उर्फी को इस तरह के कपड़े पहनने का शौक कैसे और कब चढ़ गया और उनकी लाइफ की असली सच्चाई क्या है, आज हम इस वीडियो में आपको ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद उर्फी को लेकर आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाए। दोस्तों उर्फी जावेद उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की रहने वाली हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1997 को हुआ था। उर्फी एक टीवी एक्ट्रेस और मॉडल है। इन्होंने टीवी के धारावाहिक शो बड़े भैया की दुल्हनिया और बेपनाह में काम किया था, लेकिन ये अपने वेशभूषा की वजह से ज्यादा मशहूर है। इन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाने से पहले दिल्ली में फैशन डिजाइनिंग का काम भी किया है। 25 साल की उर्फी जावेद की कहानी रुला देने वाली है। बचपन से इन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उर्फी ने अपनी लाइफ की स्टोरी सबके साथ शेयर की थी जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हंसती मुस्कुराती उर्फी जावेद के साथ कभी ऐसा भी हुआ होगा। उर्फी ने बताया कि उनके पिता का व्यवहार उनके प्रति काफी बुरा था और उनकी माँ की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी गई थी, जिस वजह से उन्हें नहीं पता था कि बच्चों को कैसे पाला जाता है, जिस वजह से उनकी परवरिश भी ठीक से नहीं हो पाई। उर्फी ने बताया कि वो पहले काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट और शाई पर्सन थी और चुपचाप किसी कोने में बैठी रहती थी। उनके पिता ने उन्हें लगातार 2 सालों तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। इसके साथ साथ उर्फी ने अपने इस इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे भी किए। उन्होंने बताया कि स्कूल टाइम में इनकी फोटो किसी ने एडल्ट साइट पर अपलोड कर दी थी। उस वक्त इनकी जिंदगी में भूचाल सा आ गया था, मानो सारी मुसीबतें एक साथ बरस पड़ी थी। किसी भी लड़की के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है और ऐसे वक्त में उर्फी के परिवार वालों ने भी साथ नहीं दिया था बल्कि उन्हें ही कसूरवार ठहरा दिया था। सभी लोग उर्फी के खिलाफ हो चुके थे और उर्फी अपने सबसे स्ट्रगल वाले दिनों में एकदम अकेली पड़ चुकी थी। किसी दूसरे की गलती की वजह से उर्फी को सब एडल्ट मूवीज के स्टार मानने लगे थे जिसमें उनके फ्रेंड्स और फैमिली भी शामिल थी। यहाँ तक कि उन्हें मेंटली और फिजिकली भी बहुत सा टॉर्चर किया गया था। उर्फी के घर वाले नैरो थिंकिंग के थे और उनके घर में बहुत ज्यादा पाबंदियाँ थी। उर्फी को भी कई बातों के लिए इजाजत नहीं दी जाती थी। अपने घर में उन्होंने बुरे हालातों का सामना किया और जब लोगों ने भी उन्हें गालियाँ देना शुरू कर दिया तब जाकर उर्फी ने खुद के लिए थोड़ी हिम्मत जुटाई और उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, मगर उनके घर वालों ने उन्हें इसकी इजाजत भी नहीं दी और उर्फी को चुप कर दिया। लेकिन जब लोगों का ये टॉर्चर बढ़ने लगा तो बात उर्फी के बर्दाश्त से बाहर जाने लगी और धीरे धीरे उर्फी अपने इस हालातों के खिलाफ लड़ने के लिए आगे बढ़ी। और एक दिन जब सारी हदें पार हो गई तो उर्फी ने अपना घर छोड़ दिया और घर से कहीं दूर निकल आई। हालांकि यह वक्त भी उर्फी के लिए आसान नहीं था क्योंकि घर से दूर किसी लड़की का अकेले कहीं रहना भी एक चुनौती भरा काम है और उर्फी ने भी अपने इस बुरे वक्त में कई चुनौतियों का सामना किया। मगर आज उन्हीं उर्फी को लगभग सभी लोग जान चुके हैं और सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। उर्फी का कहना है कि वो अपने मन की बात करती हैं, जो भी कहती हैं सबके सामने कहती हैं। उन्हें किसी के भी बारे में पीठ पीछे बोलने की आदत नहीं है और आज वो जो कुछ भी है जैसी भी है उन्हें खुद पर गर्व है। लेकिन दोस्तों आज भी उर्फी की परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं क्योंकि लोग तो उन्हें ताने देते ही हैं और ट्रोल भी करते हैं, साथ ही उन्हें लोगों से धमकियां भी मिलती हैं। हाल ही में एक व्यक्ति उन्हें व्हाट्सएप के जरिए जान से मार देने की धमकी दे रहा था, यहाँ तक कि उस व्यक्ति ने उर्फी के साथ गलत हरकत करने की भी धमकी दी थी। लेकिन आपको बता दें कि यह व्यक्ति पकड़ा गया और अब पुलिस की हिरासत में है। ये शख्स उर्फी का ब्रोकर था जिसने उर्फी को मुंबई में फ्लैट दिलाया था और धमकियों के साथ साथ इस शख्स ने सोशल मीडिया पर उर्फी के खिलाफ काफी गलत बातें भी लिखी थी। आरोपी द्वारा बताया जाता है कि उर्फी ने इसका कमीशन नहीं दिया था जिसके लिए ये उर्फी को कॉल करता था और धमकी देता था। दोस्तों बात करें इनके फैशन स्टाइल की तो सभी लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर उर्फी इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं। दोस्तों आप भी अगर यही सोचते हैं तो आपको बता दें कि उर्फी को छोटे कपड़े क्यों पहनने पड़ते हैं, इस बात का खुद जवाब उर्फी दे चुकी है। दरअसल एक बार सोशल मीडिया पर उर्फी जावेद ने एक फोटो शेयर किया था जिसमें उनके पैरों पर दाने निकल आए थे, जिसके बारे में उर्फी ने कहा था कि उनको ज्यादा कपड़े पहनने से एलर्जी हो जाती है जिस वजह से उन्हें छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने छोटे कपड़े पहनने के पीछे का कारण यही बताया है कि स्किन टाइप थोड़ी अलग है जिसकी वजह से उन्हें जल्द ही एलर्जी हो जाती है। हालांकि बहुत से लोगों को उर्फी की इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ और लोगों ने उनकी इस पोस्ट पर कई अलग अलग तरह के कमेंट्स किए थे। और हाल ही में उर्फी दुबई में घूमने गई थी जहां पर उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसकी वजह ये बताई गई थी कि उर्फी जिस वक्त शूटिंग कर रही थी उस समय में शूटिंग करना उस जगह पर अलाउड नहीं था। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है उर्फी अपने फैशन को लेकर काफी चर्चा में रहती है। आपको बता दें कि हाल ही में उर्फी इतनी अतरंगी ड्रेस पहनती नजर आई थी जिससे उन्हें
उन्हें ट्रोल होना पड़ा। उर्फी अपने ऊपर ये नीले सींग लगाकर और नीली धोती पहनकर सामने आई। उन्होंने अपनी ये फोटो सोशल मीडिया पर भी अपलोड की थी, जिसे देखकर काफी लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया और कई भद्दे कमेंट्स भी किए थे। दोस्तों, इससे पहले उर्फी पूरे कपड़े में भी नजर आई थी, मगर उर्फी का वो अंदाज भी जरा हटके था, क्योंकि उनकी ये पूरी ड्रेस घास फूस से बनी हुई थी। जी हाँ, आप इस वीडियो में खुद ही देख लीजिए कि उर्फी जावेद अपनी घास फूस वाली बनी ड्रेस में कैसी लग रही है। इनका ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कभी उर्फी लकड़ी से बनी ड्रेस पहनती है, तो कभी पत्थरों से बनी, तो कभी ये चैन या रस्सी से बनी ड्रेस में भी सामने आती है। और इनकी यही क्रिएटिविटी की वजह से इनका नाम मीडिया की सुर्खियों में आए दिन छाया ही रहता है। लेकिन कई बार उर्फी को उन लोगों पर गुस्सा भी आ जाता है जो उनके बारे में गलत बातें कहते हैं। एक बार एक इवेंट के दौरान किसी ने उर्फी को ढंग के कपड़े पहनकर आने के लिए कहा, जिसके बाद उर्फी ने सबके सामने उसकी अच्छे से फटकार भी लगाई। अगर कपड़ों पे कमेंट करना है ना, अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी मां-बहन के घर पे जाके करो। इनका ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। अपने आउटफिट को लेकर उर्फी कई बार सफाई दे चुकी है और कहती है वो वही पहनेंगी जो उनका मन करेगा। आज के वक्त में उर्फी पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और बोल्ड नजर आती है। तो दोस्तों, ये थी उर्फी जावेद की पूरी कहानी। अब आपका उर्फी को लेकर क्या ख्याल है? आपको उर्फी का स्टाइल कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।